हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महामेट्रो ने सर्वाधिक यात्रियों के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर दो दिन पूर्व एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह नया रिकॉर्ड एक दिन में सर्वाधिक 66,428 यात्रियों ने यात्रा कर बनाया है। नागरिकों का मेट्रो के प्रति दिनों दिन बढ़ रहे विश्वास का यह नया रिकॉर्ड प्रतीक है। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने यात्रियों ने सर्वाधिक एक्वा और ऑरेंज लाइन पर मेट्रो में सफर किया है। शंकर नगर से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन और खापरी से कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन तक यात्रा कर यात्रियों से चर्चा कर उनके अनुभव लिए, स्टेशन परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मेट्रो सफर के दौरान डॉक्टर दीक्षित ने स्टेशन पर उपलब्ध सूचना पेटी का भी निरीक्षण किया और इस बारे में कर्मचारियों से पूछताछ की। मेट्रो कर्मियों को यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए। स्टेशन परिसर में वरिष्ठ नागरिक, महिला तथा विभिन्न दर्जे के यात्रियों के लिए उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया। व्हीलचेयर, बेबी केयर रूम का भी निरीक्षण किया। उद्घोषणा प्रणाली का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर योग्य स्थिति में प्रणाली होने के प्रति समाधान व्यक्त किया। डॉक्टर दीक्षित ने मिहान स्थित मेट्रो डिपो का दौरा किया और विविध उपकरणों का निरीक्षण किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही ने शकील अहमद को महत्वपूर्ण पद देकर अल्पसंख्यक विभाग में राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त किया तथा फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से शेखर सावर बांधे प्रदेश महासचिव, अफजल फारूक प्रदेश महासचिव, दुनेश्वर पेठे शहर अध्यक्ष, वसीम लाला अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष, अरशद सिद्दीकी नागपुर महासचिव, सैयद साजिद अली नागपुर महासचिव, नेता रमेश फुले अल्पसंख्यक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शकील अब्दुल रहीम उपस्थित थे। शकील अहमद ने पद को स्वीकार करके अपने संबोधन में कहा कि वे पार्टी का प्रचार प्रसार करने, संगठन को मजबूत करने और अल्पसंख्यकों की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। शकील पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। नागपुर शहर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा शहर कार्यकारिणी में विभिन्न क्षेत्र से अन्य 15 लोगों को भी पद बांटे गए। नवनियुक्त पदाधिकारी गण भी उपस्थित थे। शकील ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं का आभार माना है। दिल्ली पुलिस द्वारा अल्ट न्यूज के सहायक संस्थापक मोहम्मद जुबेर को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार करने के विरोध में मध्य नागपुर चितारौली चौक में नागपुर युवक कांग्रेस के वसीम खान के नेतृत्व व कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमन पेटवार के मार्गदर्शन में आंदोलन किया गया। आंदोलन में आंखों पर काली पट्टी बांधकर व दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जताया गया। इस अवसर में मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, कांग्रेस उपाध्यक्ष राजा चिलाट, फिरोज खान, विजय साखरे, दानिश बाबा, रॉयल गेड़ा, क्षितिज साखरे, अजर शेख, जिशान खान, संकेत नितनौरे, काशम कुरेशी, जरीन खान, सागर, अशरफ खान आदि उपस्थित थे। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में विगत दिनों शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके विषय चाइल्ड साइकोलॉजी और टाइम मैनेजमेंट थे। शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज उपयोगी प्रभावशाली अध्यापकों को तैयार करना है। शिक्षण प्रशिक्षण से शिक्षकों को नई नई जानकारी प्राप्त होती है तथा कक्षा में अनेक शैक्षिक साधनों की योजना बनाने और उनको आवश्यकता अनुकूल प्रयोग में लाने की योग्यता प्राप्त होती है। विभिन्न विधियों द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करके योग्यता प्राप्त होती है तथा अध्यापक में सीखने और अध्यापन की विधि प्रक्रिया तथा सिद्धांतों के बारे में अनुभव और ज्ञान का विकास होता है। विद्यार्थियों की समस्याओं और सामंजस्य प्रक्रिया को समझने में अध्यापक की सहायता करना ताकि वह छात्रों की उचित सामंजस्य करने में सहायता कर सके। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में हर महीने एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी विषय पर स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान की। उन्होंने कहा कि चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार एवं उनके अंतर्मन का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बालक केंद्रित किया गया है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पंकज चुग के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नागपुर मंडल के विभिन्न पोस्ट द्वारा रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में कुल 124 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया, साथ ही बल सदस्यों के परिजनों ने भी हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के नागपुर जिला समन्वयक शीतल पाटिल एवं वर्षा पाटिल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों को ट्रेन से होने वाले बच्चों की ट्रैफिकिंग के कारण एवं ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय एवं बाद की कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के सहयोग से एवं प्रदेश प्रमुख संदीप भंडारी के नेतृत्व में निशुल्क कैंसर रोग निदान शिविर आयोजित किया गया। सहयोग करने वाली संस्थाओं में महावीर वुमेन्स क्लब, श्री ज्ञानोदय सेवा संघ, श्रमणोपासक श्री संघ, व्यवस्था समिति तुलसीनगर, तुलसीनगर सिंधी एकता मंच, RSS शाखा लालगंज, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन परिवार मंदिर का भी समावेश था। यह 101वां मुफ्त कैंसर जांच शिविर था जो तुलसीनगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में सोमवार सुबह आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन बचपन प्ले स्कूल तुलसीनगर की संचालिका शालू अवकाश जैन ने किया। साथ ही सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉक्टर संजय चोरडिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। अतिथियों के रूप में भाजपा शहर महामंत्री राम आंबुलकर, भाजपा नेता पूर्व नगर सेवक संजय महाजन, पूर्व नगर सेविका अभिरुचि राजगिरे, विभाग अध्यक्ष वर्षा मिल मिले, डॉक्टर आशीष मोदी, डॉक्टर सुरभि पांडे, RSS लालगंज विभाग के दीपक भोंगाड़े, संपर्क प्रमुख पंकज मिश्रा, डॉक्टर मोहन सिंह ठाकुर, नितिन नखाते, रमेश जैन, अनिल राजगिरे, अजय सुगंध, सुरेश गावंडे, प्रेम झामनानी, श्रीकांत सायरे, मुरलीधर वड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर यूथ क्लब परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर एवं अन्य मान्यवरों ने की। अकोला व अमरावती हवाई अड्डे पर फ्लाइट सेवा जल्द से जल्द शुरू हो और हवाई अड्डों के विकास के दृष्टिकोण से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दोनों हवाई अड्डों के संदर्भ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। केंद्रीय नागरी उड्डयन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारी गण इस बैठक में उपस्थित थे। दोनों विमानतलों की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यात्री व मालवाहक विमानों के लिए आवश्यक विशाल रनवे, सभी प्रकार के वातावरण में विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा आदि महत्वपूर्ण विषयों के बारे में गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा, विधायक वसंत खंडेलवाल, राजेंद्र पाटनी आदि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में दोनों हवाई अड्डों के विकास के संदर्भ में वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में मानसून की शुरुआत के बाद तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के अधिकारियों ने व्यक्त की है। इस दौर में नागरिकों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आसमान में जब बिजली चमक रही हो तो बाहर ना निकले, इस आशय के विचार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी आर विमला ने आपदा प्रबंधन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले की 13 तहसीलों का दौरा कर नागरिकों को आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान बिजली से होने वाले जानों माल के नुकसान को रोकने के लिए रथ तैयार किया है। रथ को रवाना किए जाने के अवसर पर उपजिलाधिकारी पीयूष चिवंडे, आपदा व्यवस्थापन अधिकारी अंकुश गावंडे, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण टाके सहित जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। बादलों की गर्जना के बीच बिजली चमक रही हो तो घर के भीतर रहने में ही समझदारी है। कार्यक्षेत्र में काम के दौरान मोबाइल फोन साथ न ले जाए। बिजली कड़कने के दौरान घर में बिजली के उपकरणों को बंद कर दे। अत्यधिक वर्षा और बादलों की गड़गड़ाहट के दौरान गलती से भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस भर्ती के नियमों में दोबारा फेरबदल किए हैं। अब किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देने के पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा, इसके बाद ही लिखित परीक्षा ली जाएगी। पूर्व में पुलिस भर्ती इसी तरह होती थी, पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता था और उसके बाद लिखित परीक्षा होती थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। पहले लिखित परीक्षा होने लगी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट हुआ। सोमवार को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की गई। बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से विभाग में रिक्त पदों को लेकर मेगा भर्ती करने का निर्णय लिया गया। पहले तो OBC आरक्षण और बाद में कोरोना के चलते भर्ती प्रक्रिया बंद की। इस वर्ष से दोबारा पुलिस भर्ती शुरू हुई, लेकिन अब नए नियमों के साथ पुलिस भर्ती की जाएगी। आवेदन देने वाले उम्मीदवार को पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा। इसमें कम से कम 50% अंक लेना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार 50% अंक लेगा उसे ही लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट 50 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक 1600 मीटर दौड़ के लिए, 100 मीटर दौड़ के लिए 15 और गोला फेंक के 15 अंक होंगे।
जिले के ग्रामीण भागों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 2 और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप केंद्रों के निर्माण को जिप स्वास्थ्य समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। दोनों PHC हिंगना तहसील के वर्धामना और निलडोह में बनेंगे। इसका प्रस्ताव तहसील स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य संचालक संचालनालय मुंबई को भेज दिया है। उस प्रस्ताव को स्वास्थ्य समिति की बैठक में सभापति सुमित्रा कुम्भारे ने मंजूरी दी है। जिले में जनसंख्या के अनुपात में PHC व सब सेंटरों को मंजूरी दी जाती है। बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जिले में इनकी संख्या कम है। फिलहाल जिले में हर तहसील मुख्यालय में ग्रामीण अस्पताल 53 PHC, 316 सब सेंटर एलोपैथी व आयुर्वेदिक के 58 दवाखाने स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। बताते चले कि जिले में 49 PHC थे और कोरोना काल के दौरान 4 नए शुरू हुए। वही 3-4 PHC की नई इमारतों का निर्माण कार्य जारी है, जिसके जल्द ही पूरा होने की जानकारी दी गई। इनके अलावा अभिन्ना तहसील में और 2 नए PHC इमारत निर्माण को मंजूरी दी गई है। कुमारे ने बताया कि नागरिकों को उनके गांव में ही तत्काल व अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसीलिए सुविधा बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। जिस तरीके से डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने महामेट्रो नागपुर को तैयार किया है, इसमें हर स्टेशन पर व्यवसाय करने के लिए जगह काफी बनाई है। व्यापारियों को भविष्य में मेट्रो का संचालन कैसे होता है, इस बारे में समझना चाहिए। आम जनता मेट्रो को किस नजरिए में देखती है, ये समझना भी जरूरी है। डॉक्टर दीक्षित की कल्पना है कि मेट्रो रेल में बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति भी सफर करे और आम व्यक्ति भी सफर करे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं जैसे स्टेशन में पर्याप्त पार्किंग से लेकर प्रवेश व प्लेटफॉर्म रेल का सफर, स्वचालित सीढ़ियां आदि उपलब्ध कराई गई है। आज मेट्रो 3 डब्बे की दिख रही है, उसके समय में 15 मिनट का अंतर दिख रहा है। जब ये पूरी तरह शुरू हो जाएगी, मुझे कोई शक नहीं कि यह 60 डिब्बों की मेट्रो हो जाएगी। 2 मेट्रो गाड़ियों के बीच में बस 3-5 मिनट के समय का अंतराल रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो से ही सफर करेंगे। हमारा जीवन तेज हो रहा है, ग्राहक सुविधाजनक स्थान से खरीदारी करना चाहते हैं। इस आशय के विचार कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय ने व्यक्त किए। सुखसागर सोसाइटी वर्धमान नगर के अध्यक्ष हरिओम माहेश्वरी की मां 84 वर्षीय लक्ष्मी देवी माहेश्वरी ने नेत्रदान एवं देहदान प्रेरक सूर्या राजू चावला के नेतृत्व में मरणोपरांत नेत्र एवं देहदान का फॉर्म भरकर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के प्रमुख नामदेव कामड़ी को दिया। लक्ष्मी देवी माहेश्वरी के संकल्प से समाज बंधुओं ने उनका नमन करते हुए अभिनंदन किया। इस अवसर पर हरिओम माहेश्वरी, नामदेव कामड़ी, सूर्या राजू चावला सहित परिजनों की उपस्थिति रही। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत आयोजित योग सप्ताह का समापन 27 जून को हुआ। इस अवसर पर जनसंचार विभाग द्वारा सम्मिश्र पद्धति से योग की समव्यावहारिक प्रयोजनता विषय पर विशिष्ट व्याख्यान में योग विशेषज्ञ नवनालंदा महाविहार नालंदा के प्रोफेसर सुशीम दुबे ने कहा कि योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। योग रोग से निरोग होने का नाम है। जनसंचार विभाग में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने की। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत योग सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत व्याख्यानों के माध्यम से योग विशेषज्ञों ने योग की महत्ता प्रतिपादित की। प्रोफेसर सुशीम दुबे ने योग दर्शन को जीवन में उतार कर इसे दैनंदिन जीवन में अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि योग अभ्यास से व्यक्तित्व और चरित्र में विराटता आती है। इसे जीवन का हिस्सा बनाने से अनेक व्याधियों को दूर रखा जा सकता है। उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर, अवसाद आदि बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित योग ही एकमात्र कारगर उपाय है। अध्यक्ष उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि व्यक्ति का जीवन तनाव, कुंठा, मोह, घबराहट और अतृप्त कामनाओं से भरा है। ऐसे में योग ही इन पर विजय पाने का एकमात्र रास्ता है। मध्य नागपुर के विधायक विकास कुम्भारे के विकास निधि से बुनकर नेता कुम्भारे के पुतले तथा प्रांगण का सौंदर्यीकरण हुआ। कई सालों से हलबा समाज के अनेक संगठन विधायक विकास कुम्भारे को कुम्भारे का पुतला का सौंदर्यीकरण के लिए अनुरोध करते आए हैं। हलबा समाज के बुनकर ऐसे नेता थे जिन्होंने अनेक हलबा समाज के आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते कुम्भारे के पुतले और प्रांगण के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन हुआ और उन्होंने बुनकर समाज का मार्गदर्शन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कुम्भारे के परिजन मुख्य रूप से उपस्थित थे। कुम्भारे के सबसे छोटे बेटे नितिन कुम्भारे और उनकी बड़ी बहू स्मिता कुम्भारे अपने परिवार को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधायक गण प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, गिरीश व्यास,
पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, हलबा समाज के वरिष्ठ नेता अभय धकाते, भाजपा मध्य नागपुर अध्यक्ष किशोर पलांदुरकर, दाऊराम देवांगण, पूर्व नगर सेविका विद्या कन्हेरे, पूर्व नगर सेविका सरला नाइक, राजेश सोनकुसरे, राजेश घोड़पागे, किशोर उमरेटकर, लक्ष्मण पाठराबे, लक्ष्मण खापेकर, संजय निनावे, जीतू बुरड़े, गिरधारी निमजे, जय निमजे एवं हलबा समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गिट्टी खदान स्थित रामदेव बाबा टंकी पर लगा आउटलेट वॉल्व अचानक बिगड़ जाने के कारण तुरंत प्रभाव से सुधार कार्य करना जरूरी है। इसके चलते मनपा और OCW ने नया आइसोलेशन वॉल्व लगाने के लिए 28 जून की रात सुधार कार्य शुरू किया। 29 जून तक सुधार कार्य पूरे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अतः गिट्टी खदान टंकी पर आश्रित लोगों को 30 जून से सुचारू जलापूर्ति हो सकेगी। चूंकि टंकी की सप्लाई ही बंद होगी, अतः टैंकर से भी जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी मनपा ने दी। इसके चलते जाफरनगर, अवस्थी नगर, बोरेगांव, मानकापुर, साकिताबाद कॉलोनी, जय हिंद नगर, आम्बेडकर कॉलोनी, मानकापुर, ताजनगर, संत ज्ञानेश्वर सोसाइटी, पेंशन नगर, आदर्श कॉलोनी, RMS कॉलोनी, राठौड़ लेआउट, कुतुब शाह नगर, दशरथ नगर, शीला नगर, इंद्रायणी नगर, अयप्पा नगर, दत्त नगर, गांधी लेआउट, सुगत कॉलोनी, संत गाड़गे बाबा सोसाइटी, बर्डे लेआउट, प्रशांत नगर, पुलिस लाइन टाकली, पुलिस मुख्यालय, अनंत नगर, राउत लेआउट, चौधरी लेआउट, सूरज नगर, संगम नगर, गांधी लेआउट आदि क्षेत्रों में आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। कल फिर से नियमित रूप से जलापूर्ति होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 27 जून को अपनी 165 शाखाओं और 5 क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से पूरे भारत में विश्व MSME दिवस भव्य तरीके से मनाया। 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाने के लिए ICAI की नागपुर शाखा ने एक अर्ध दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संदर्भ में PM पार्लेवार मुख्य अतिथि के रूप में और संतोष मोरे सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया था। इस अवसर पर CA डॉक्टर देवाशीष मिश्रा, अध्यक्ष ICAI CA अनिकेत तलाठी, उपाध्यक्ष ICAI CA धीरज कुमार खंडेलवाल, अध्यक्ष और CA राज चावला, उपाध्यक्ष MSME और स्टार्टअप समिति ने सभा को संबोधित किया और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में MSME की ओर से इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न उपाय एवं इनके महत्व को उजागर करने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष CA जितेंद्र सगलानी ने दर्शकों के लिए अपने स्वागत भाषण में देश की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार शाम पूर्व नागपुर स्थित श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल में कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर का यह पहला चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध हुई है। हॉस्पिटल के साथ ही वैद्यकीय महाविद्यालय एवं नर्सिंग कॉलेज के क्षेत्र में किसी ट्रस्ट को काम करना चाहिए। इस आशय के विचार उन्होंने व्यक्त किए एवं इसके लिए अपनी ओर से वे पूरा सहयोग करेंगे, यह आश्वासन दिया। नागपुर महानगर पालिका की ओर से जगह की व्यवस्था होते ही बेड की तैयारी की जाए, ऐसा आवाहन गडकरी ने हॉस्पिटल के अध्यक्ष गोविंद पोद्दार से किया। गत 30 साल से भी ज्यादा समय से यह हॉस्पिटल निरंतर गरीबों की सेवा में कार्यरत है। इस विषय पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा रामटेक में भी हॉस्पिटल के द्वारा इसी उद्देश्य को पूरा करने का काम चलाया जा रहा है, यह जानकारी हॉस्पिटल के अध्यक्ष गोविंद पोद्दार ने दी। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा पूर्व नागपुर के वरिष्ठ अतिथियों में कृष्णा खोपड़े, गिरीश व्यास, दयाशंकर तिवारी, मितेश भांगड़िया, कीर्ति कुमार भांगड़िया और डॉक्टर महेश पुलवाणी ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। विदर्भ सेवा समिति द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में समाज सेवी डॉक्टरों का सत्कार गुरुवार 30 जून को सुबह 10 बजे हुतात्मा स्मारक शुक्रवारी तालाब बगीचा सुभाष रोड में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध दंत रोगतज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य, समाज सेवी डॉक्टर हरीश केडिया, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण सांगोले व फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आशीष अग्रवाल का सत्कार शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता वेद के पूर्व अध्यक्ष विलास काले करेंगे। समिति के अध्यक्ष आनंद निर्माण, कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी, उपाध्यक्ष मनीष मेहता, सचिव अशोक गोयल, सहसचिव प्रशांत मानेकर, कोषाध्यक्ष बाबूलाल नेवटिया, सदस्य विजय शर्मा व नीलेश मेहता व संरक्षण डॉक्टर मनमोहन डागा और उमेश शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है।
यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,306 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,56,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी के अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 17,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।